हाय गाइस, वीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर वीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया का पुष्टि परीक्षण है ब्रोंकोस्कोपी, छाती एक्सरे, रुधिर कल्चर, बलगम कल्चर। तो निमोनिया का पुष्टि में बलगम कल्चर परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सामान्यतः कौन सा विकार उपस्थित होता है? अस्थमा, ब्रोंकियटिस, एम्फाइसीमा, ये सभी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में फेफड़ों के एल्वियोलाई में सूजन और लंबे समय से सांस की नली में सूजन आ जाता है, और इसके सामान्यतः विकार है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज के चिकित्सकीय प्रबंधन का उद्देश्य है वेंटिलेशन को बेहतर करना, ब्रोंकियल स्रावों को हटाना, सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर करना, या उपयुक्त सभी। तो COPD के मरीज के चिकित्सकीय प्रबंधन का उद्देश्य होता है वेंटिलेशन को बेहतर करना, ब्रोंकियल स्राव को हटाना, सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज में ऑक्सीजन की अवस्था को ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है त्वचा के रंग को देखकर, वाइटल साइन में परिवर्तन का पता लगाकर, मरीज से यह पूछकर कि वह कैसा महसूस कर रहा है, या रुधिर गैस परीक्षण के द्वारा। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज में ऑक्सीजन की अवस्था को ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रुधिर गैस परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज में रेस्पिरेटर ड्राइव बनाए रखता है ऑक्सीजन द्वारा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, या नाइट्रोजन द्वारा, या एटेलेक्टेटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीज में रेस्पिरेटर ड्राइव को बनाए रखते हैं ऑक्सीजन द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के दीर्घकालिक प्रभाव में सम्मिलित होते हैं हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्सीमिया, ल्यूकोपेनिया, या ये सभी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के दीर्घकालिक प्रभाव में सम्मिलित होते हैं हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्सीमिया, या ल्यूकोपेनिया, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, COPD वाले मरीज में निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन की आवश्यकता जांचने की सबसे उपयुक्त विधि है? श्वसन दर चेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, एक्सरे द्वारा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन द्वारा। तो COPD वाले मरीज में ऑक्सीहीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता जाँचने का उपयुक्त विधि होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑक्सीहीमोग्लोबिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की मुख्य सामान्य प्रारंभिक नैदानिक लक्षण है सांस लेने में कठिनाई और टेकिपनिया, बेचैनी और घुरघुराना, ब्रेडिपनिया और ब्रेटिकार्डिया, या साइनोसिस। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में फेफड़ों के एल्वियोलाई में तरल जमा हो जाता है जिसके कारण अंगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और इसके मुख्य सामान्य प्रारंभिक नैदानिक लक्षण होते हैं सांस लेने में कठिनाई और टैकिपनिया। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का उपचार है रुधिर का आधान O2 प्रदान करना, मैकेनिकल वेंटिलेशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एवं एनाल्जेसिक। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का उपचार होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट श्वसन डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए सही कथन पहचाने। एल्वियोली का ऊपर की तरफ बढ़ना, एल्वियोली का लचीलापन नष्ट होना, एल्वियोलर स्थान में द्रव का भरना, एल्वियोली निपात। तो एक्यूट श्वसन डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए सही कथन होगा एल्वियोलर स्थान में द्रव का भरना ही एक्यूट श्वसन डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मरीज में निम्नलिखित में से द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है हाइपरटोनिक घोल का उपयोग करना, नमीयुक्त ऑक्सीजन देना, तरल की मनाई और डायूरेटर देना, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रतिदिन निगरानी करना। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मरीज में तरल की मनाही और डायूरेटर देना ही द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से फेफड़ों के अवशेष का कारण है गैस्ट्रिक अवयव, संक्रमित सामग्री की जटिलताएं, निमोनिया की जटिलताएं या उपयुक्त सभी। तो फेफड़े के अवशेष का रीजन होता है गैस्ट्रिक अवयव, संक्रमित सामग्री की जटिलताएं, निमोनिया की जटिलताएं, उपयुक्त सभी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, फेफड़ों में अवशेष का अर्थ है फेफड़ों में ट्यूमर की उपस्थिति, फेफड़ों में तरल का इकट्ठा होना, फेफड़ों में पस का इकट्ठा होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। फेफड़ों में अवशेष का अर्थ होता है फेफड़ों में पस का इकट्ठा होना ही फेफड़ों में अवशेष होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके संक्रमण के बाद फेफड़ों में फोड़े या अवशेष सामान्य है। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन सी वायरल निमोनिया एंड ऑप्शन डी न्यूमोकोकस निमोनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस निमोनिया के संक्रमण के बाद फेफड़ों में फोड़े या अवशेष होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्रोनिक अस्थमा की सबसे अधिक जटिल समस्या है एटेलेक्टेसिस, एम्फिसीमा, न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। क्रोनिक अस्थमा की सबसे अधिक जटिलता समस्याएं होती है एम्फिसीमा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्रोनिक अस्थमा में फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा के उपचार में कौन सी दवा काम नहीं आती। ऑप्शन ए ब्रोंकोडायलेटर्स, स्टेरॉइड, एंटीकोलिनर्जिक, एंटासिड। तो अस्थमा के उपचार में एंटासिड का उपयोग नहीं किया जाता। एंटासिड का उपयोग अमाशय में अम्ल को कम करने के लिए किया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पास्म के दौरे किस श्वसनीय रोग का लक्षण है। फेफड़ों में अवशेष, राइनाइटिस, फेरिंगाइटिस या अस्थमा। तो रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पास्म के दौरे अस्थमा का लक्षण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलगम में किस स्थिति में चार कोट लेडेन क्रिस्टल दिखाई देते हैं। टीवी, ब्रैंकियल अस्थमा, निमोनिया या एम्पाइमा। तो ब्रैंकियल अस्थमा वाले मरीज में बलगम में चार कोट लेडेन क्रिस्टल दिखाई देने लगता है। जब मरीज को ब्रैंकियल अस्थमा होता है तो उनके बलगम टेस्ट में चार कोट लेडेन क्रिस्टल दिखाई देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अस्थमा के ट्रैट लक्षणों में शामिल नहीं है डिस्पनोइया, कफ, साइनोसिस या वेस।
तो अस्थमा के 4 लक्षणों में शामिल नहीं होता है साइनोसिस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु मार्ग को खोलने के लिए नर्सिंग प्रबंधन नहीं है, ट्रेकियोब्रैंकियल सक्शन, शरीर में जल की मात्रा में वृद्धि, शरीर में जल की मात्रा में कमी या चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो वायु मार्ग को खोलने के लिए नर्सिंग प्रबंधन नहीं होता है, शरीर में जल की मात्रा में कमी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।